अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS201 प्रैक्टिकल के असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। एक सिनेरियो में दिया हुआ है, वो कहता है राइट C++ प्रोग्राम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, यूज़ योर ओन VU प्रोवाइडेड स्टूडेंट आई डी, योर प्रोग्राम टेक द न्यूमेरिकल इनपुट पार्ट ऑफ योर VU स्टूडेंट आई डी विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, डिस्प्ले योर VU आई डी, डिस्प्ले द डिजिटल पार्ट ऑफ your VU student ID, store the numerical part of VU ID in a variable, separate the even digits, calculate the sum of all even digits, print the sum of all even digits on the screen। ठीक है, इसके लिए आपने एक फंक्शन बना लेना है सम ऑफ इवन डिजिट्स का। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने अपनी स्टूडेंट आई डी को पुट करना है, आपका जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट आई डी में से आपके जो डिजिट्स हैं वो अलग कर ले। ठीक है, डिजिट्स अलग करने के बाद आपने क्या करना है, इन में से देखना है कि कौन से जो डिजिट्स हैं वो इवन है। इवन का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव इंटीजर में मतलब दो के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं, जैसे ये 2 है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक है, ये 4 है। इसके बाद आपने कैलकुलेट करना है उन्हीं इवन डिजिट्स को, पहले प्रिंट करवाना है, बाद में जाके इनके सम को प्रिंट करवाना है आपने, जिस तरह ये दिया हुआ है। ठीक है, एक हमने आई डी को पुट किया हुआ है, उसके अंदर डिजिटल पार्ट उसकी आई डी का क्या हो गया 1 2 3 4 बी सी के अलावा, इवन डिजिट्स हमारे कौन से आ गए और सम ऑफ डिजिट्स हमारे पास कौन से आ गए। ठीक है, आपने अपनी VU ID खुद ही इसमें स्टोर करवानी है। ठीक है, स्टेप्स इन्होंने दिए हुए हैं कि किस तरह से आपने इनका सम दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास कोड अवेलेबल है, मैं आपको कोड यहाँ से दिखाता हूँ। इस कोड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी VU ID को प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने ये वाली आई डी डाली हुई है BC1840749496, इसमें जो हमारे पास इवन नंबर है वो 640408 हैं। ठीक है, और इनका जो डिजिट्स का सम बन जाता है वो 22 बन जाता है, ये आउटपुट हमारी वैसे ही आ रही है। ठीक है, मैं कोड दिखा देता हूँ, आपने कोड ऐसे ही लिखना है, सम एंड डिस्प्ले इवन डिजिट्स का हमने एक फंक्शन बना लिया है जिस तरह उन्होंने फंक्शन का कहा था। ठीक है, सम ऑफ इवन डिजिट्स, इसका नेम आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, सम एंड डिस्प्ले इवन डिजिट्स वहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको सम इवन डिजिट्स दूसरा हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है। आपने पहले सबसे करना क्या है, यहाँ पे जो अपनी VU की आईडी है वो स्टोर करवानी है। ठीक है, VU की आईडी जब स्टोर करवाएंगे उसमें से आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे फेच करेगा कि ऐसे डिजिट्स उठा लो इसमें से जो 2 पे डिवाइड हो सकती हैं इवन डिजिट्स के तौर पर, फिर वो प्रिंट करवाएगा उसको। प्रिंट करवाने के बाद आपकी जो आईडी है मतलब आपका जो सम बनता है इवन डिजिट्स का वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, सम एंड डिस्प्ले इवन डिजिट्स आपने इसको चेंज कर देना है, आपने इसको लिखना है सम ऑफ जो यहाँ पे टीचर ने हमें दिया है। ठीक है, इसको कॉपी करना है आपने, और यहाँ से मैं इसको पहले कट कर लूँ, यहाँ पे आपने वही लिखना है सम ऑफ इवन डिजिट्स। ठीक है, अब ये फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया है तो ये वाला यहाँ पे डालना है, इसको सेव करना है आपने, फिर यहाँ पे रन करना है। जब आप रन करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही आपके पास इनपुट या आउटपुट आ जाएगी, कोई भी एरर नहीं आएगा। मैं यहाँ से पूरे का पूरा कोड आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों ने कोड यहाँ से कॉपी करना है और जाके फिर LMS पे सबमिट करवाना है अपना जो सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।